अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या नाम है तुम्हारे पंडाल का? वो ढोलक वाला चाल। तो मेरी तरफ से 50,000 और आज का कोच और जो भी इन्हें चाहिए उसका दुगना फटाफट पैक कर। अरे ये तो वही लड़की है, चौल वाली, ये कैंडिडेट है। ये तो भाई अच्छे वाले साहब है ना, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये गंदा मकान इन अच्छे साहब का है, मैं तो फालतू में ही डर रही थी। तुम इंटरव्यू के लिए आई हो? हाँ साहब, मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। क्या बताया तुमने अपना नाम? मैं भूल गया। आप भूले नहीं, आपने पूछा ही नहीं था। आराधना, आराधना पाटिल है मेरा नाम। मुझे क्यों लगा इसका नाम साथ में? आप क्या सोच रहे हैं? पूछिए ना जो भी पूछना है। वैसे मैं ये काम ना पिछले 1 साल से कर रही हूँ। क्या तुम ये काम पिछले 1 साल से कर रही हो? मतलब ये काम तुम पहले भी कर चुकी? हाँ, मैंने काम पहले भी किया और आगे भी करती रहूंगी। वैसे मेरे से अच्छा ये काम कोई और नहीं कर सकता। आप जिससे भी चाहे पूछ लो, पूरी ढोलक वाला चौल में मेरा काम एक नंबर है। ये इतने कम उम्र की है फिर भी। तुम इधर बैठो। देखो आराधना, जो मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ साफ साफ उसका जवाब दे। हाँ। तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम ये काम कर रही हो? हाँ, सबको मालूम है। और ये काम तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं? जोर जबरदस्ती किस बात के साहब, मैं ये काम अपने मन से कर रही हूँ। लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें ये देखिए साहब, मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरे दादू भी बहुत इज्जतदार हैं और हमारा भी बहुत अच्छा परिवार है। हमारे पास आपके जैसे पैसे नहीं हैं, इसीलिए हमें ये काम करना पड़ता है, लेकिन हम कोई गलत काम नहीं करते हैं। देखो आराधना, राइट, मैंने कब कहा ये काम गलत है? मुश्किल जरूर है। तुम सच में ये काम करना चाहती हो? हाँ साहब, मुझे सच में ये काम करना है, इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। तुम 25 साल की नहीं लगती, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम अपनी उम्र बताओ। ये कैसा सवाल हुआ? किसी लड़की को उसकी उम्र थोड़ी पूछी जाती है, उसका काम देखा जाता है ना। आपको ये बात किसी ने नहीं बताई? आप तो खुद मास्टर जी हैं, फिर भी नहीं पता? देखिए साहब, आप यहाँ मुझसे काम करवाने आए हैं और मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ, तो आप अभी बस काम की ही बात कीजिए। देखो मैं काम की ही बात कर रहा हूँ और काम की बात कर रहा हूँ इसलिए बाय लॉ मुझे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। क्या मतलब? बाय लॉ मतलब कानून। हे दीपा, लगता है ना ये लोग मुझसे कोई गैर कानूनी काम करवाना चाहते हैं। मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि इधर कुछ ना कुछ गलत काम ही होता है। मुझे ना इधर आना ही नहीं चाहिए था। दादू सही कहते हैं, मुझ में अक्कल ही नहीं है। एक काम करो, तुम अपना आधार दिखाओ मुझे। अगर तुम 25 साल की हो, मैं यकीन मानने को तैयार हूँ। ये तुम्हारा कोई अग्रीमेंट? साहब जी, मुझे आपका काम नहीं करना है, मुझे माफ कर। कोई अग्रीमेंट हो कुछ? अरे सुनो साधना, अब आराधना, अरे आओ इनसे मिलो। ये है भारद्वाज सर और ये है साधना। साधना जी, तो वो कौन थी? वो सलवार सूट में छोटी हाइट वाली कुछ भी पके जा रही थी? वो तो डिब्बे वाली है, टिफिन सर्विस देती है हमें। गॉड, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। क्या क्या बोलती है उस लड़की को, क्या सोच रही है मेरे बारे में? ना कुछ बोला इनके बारे में, अच्छे इंसान, अक्षय कुमार, नाम कन्हैया वाला और काम कंस वाले।
अरे विलास, बात को समझने की कोशिश करना। ये सब कुछ ना वो आरू के चक्कर में हुआ है। तू जानता है ना कल मेरी हालत कैसे कीचड़ में थी। अब ऐसी हालत में वो एमएलए साहब से मिलने कैसे आती मैं? मेरे को नहीं, ये सब नहीं पता है। मेरे को बस इतना पता है तू आई थी मेरे पास, तुझे मिलने का था एमएलए से। मैंने जबरदस्ती किया तुझे कि चल तुझे हीरोइन बना दे करके? नहीं ना, मैं ना किसी पे जबरदस्ती नहीं करता, और जिसे चाहता है ना मैं उसको मजबूर कर देता है। और सुन, मैं ना लड़की को मुंह भी नहीं लगाते, याद रख। अरे विलास सुनना, ऐसे गुस्से में क्यों जा रहा है? आज मेरी ब्यूटी की तारीफ नहीं करेगा क्या? अरे विलास सुनना, ए विलास कर ना मेरी तारीफ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तू ना मुझसे छोटी है, मुझे तुझसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एक तो वैसे भी कल तेरी वजह से मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया, और आज यहाँ खड़े होके मुझे सही गलत का ज्ञान दे रही है। दीप, आपको पता तो है ना वो विलास कैसा आदमी है। वो एक नंबर का घटिया और बहुत ही गंदी सोच का आदमी है। मुझे लगता है कि आपको उससे दूर ही रहना चाहिए। और उस दिन ना विलास के आदमी आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रहे थे, और मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि एमएलए और विलास दोनों मिलके आपका फायदा उठा रहे हैं। ओहो, तो तू अब मुझे लेक्चर भी देने लगी। देख हारू, तू जिस दुनिया में जीती है ना वो तेरी एक सपनों की दुनिया है। अपनी आंखें खोल कर देख, असली दुनिया ये है। और वैसे भी तुझे आदत होगी ये चौल की चुहिया बनकर रहने की। ये घर घर जाकर डब्बे पहुंचाकर तुझे खुशी मिलती है, लेकिन मुझे नहीं मिलती है। वैसे भी मेरे सपनों के लिए तो ये 2/4 की चौल क्या, ये पूरा शहर भी कम पड़ जाए। मुझे वो सब कुछ चाहिए जो इस दुनिया में मिलता है, और उसके लिए मुझे जो मर्जी चाहे करना पड़े मैं करूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सही है क्या गलत है, मुझे सिर्फ और सिर्फ हार और जीत से मतलब। नहीं दी, मैं आपको ये गलती नहीं करने दूंगी। मैं काकी को सब कुछ बता दूंगी। क्या 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 बोली तू? तू आई से मेरी शिकायत करेगी? ऐसे तू क्या मेरी आई से शिकायत करेगी? उससे पहले मैं खुद जाकर आई से तेरी चार चुगली कर दूंगी ना, तो पूरे एक हफ्ते के लिए सीधा कमरे के अंदर बंद, समझी? क्या क्या बोलने वाली थी हूँ इसके बारे में? इसने कौन सी शांतपत्ति की है? अरे बोलना। देख, झूठ बोलने की क्या सजा होती है ये तू अच्छी तरह से जानती है, इसीलिए पटापट पटापट पोपट की तरह बोल। क्या किया इसने? काकी, आपको वो विलास पता है ना, वो गुंडा? मैंने दी को उसके साथ देखा, वो दोनों कुछ बात कर रहे थे, तो इसीलिए मैं दी से कह रही। हाँ तो आई बात ही कर रहे थे ना, बात करने से क्या होता है, बात तो करनी पड़ेगी ना आई। आप ही बताओ, अब मुंह में जुबान है तो इंसान बात करेगा ना। इसकी तरह दिन भर गूंगे बनकर तो नहीं घूम सकती ना मैं। और ये तो आई है ही गवार, मुंबई आने के बाद भी गवार की गवार है। एक पैसे की अक्कल नहीं है इसके अंदर। देखिए आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।